हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या लगता है आपको, क्या सजा मिलनी चाहिए उनको? जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनता में कितना आक्रोश भरा हुआ है। जी हाँ, खुखार खूनी पृथ्वी जो कि एक खतरनाक सीरियल किलर है, आज अदालत उसे उसके पापों की सजा देगी। सारा देश ये चाहता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ फांसी सुनाई जाए, क्योंकि उस जैसे मुजरिम का समाज में रहना आम नागरिकों के लिए दहशत का कारण है। वो देखिए, पुलिस की वैन पृथ्वी को लेकर आ चुकी है। संगीन आरोप है जिसकी वजह से पूरा देश, जनता ये चाहते हैं कि आपको फांसी हो। आप अपनी गुनाही में कुछ बोलना चाहेंगे? आप चुप क्यों हैं, बोलिए। एम्बुलेंस गुप्ता, जल्दी। हेलो सर, मुझे तो लगता है ये काम किसी समाज सेवक का है जो शायद समाज से ऐसे खतरनाक मुजरिमों को हटाना चाहता है। पर इस पृथ्वी को वैसे कुछ ही घंटों में फांसी की सजा सुनाने वाले थे, तो फिर किसी ने इसका खून क्यों कर दिया? सर, शायद कोई ऐसा आदमी हो जिसकी पृथ्वी से दुश्मनी हो और वो चाहता था कि पृथ्वी को वो खुद मारे। हाँ सर, जिन लड़कियों का खून इस पृथ्वी ने किया, हो सकता है उनमें से किसके परिवार वाले ने। हो सकता है। जितनी तेजी से गोली इसके शरीर में घुसी है, उसे देख के तो यही लगता है कि गोली बहुत ज्यादा कैलिबर की है। राव देख के बता सकते हैं कि गोली किस एंगल से चली है, कितनी दूरी से, कितनी ऊंचाई से? देखो दया, ये तो साफ है कि यह आदमी इधर से ऐसे जा रहा था और इसकी पीठ में गोली लगी है, तो गोली तो यहीं से कहीं से चली है। अब ये गोली कितने कैलिबर की है, कौन सी गन से चलाई गई है, किस एंगल से लगी है, ये सब तो फॉरेंसिक लैब नहीं पता चलेगा। लेकिन सर, इतने सारे लोगों के बीच में यहाँ गोली चली है, किसी ने तो कुछ देखा ही होगा। सर, हो सकता है मीडिया वालों के कैमरे में शायद कुछ कैद हो गया हो। पूर्वी रेडी, मीडिया वालों के कैमरे चेक करो, देखो कोई फुटेज मिलता है क्या। सर, सर पृथ्वी के घर वाले आ चुके हैं। कहाँ है वो? सर, मैंने उसे वहां बिठाया। चलो। यस सर। बहुत साल का एक्सपीरियंस है मुझे सीआईडी में। तुम देखना इस फुटेज में से मैं कुछ ना कुछ तो सुराग जरूर ढूंढ निकालूंगा। सर, जब पृथ्वी यहां पर पहुंचा तब उसे गोली लगी। रिवाइंड करो। हाँ, गोली लगते ही पृथ्वी नीचे गिर पड़ा। पृथ्वी की मौत का दुख मुझे है, लेकिन अफसोस, अफसोस बिल्कुल नहीं। कितने मासूम लोगों की जान ली है उसने, उसका तो यही हश्र होना था। किसने किया होगा ये? आपको किसी पे शक है? कोई भी कर सकता है। पृथ्वी के गुनाह स्वीकार करने के बाद बहुत सारे धमकी भरे फोन आते थे। जी, धमकी भरे फोन तो मुझे भी कई बार आए हैं, जब से मैंने पृथ्वी का केस लिया अपने हाथ में। ये जानते हुए कि पृथ्वी एक खूनी है, आप उसका केस लड़ रहे थे? देखिए, हमारा संविधान हर मुजरिम को अपनी बात कहने का हक प्रदान करता है, और वैसे भी पृथ्वी तो मेरा बहुत पुराना दोस्त था। सर, फुटेज देख के तो लगता है कि गोली सामने किसी बिल्डिंग से चलाई गई। गोली अगर सामने किसी बिल्डिंग से चलाई गई है, तो कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा वहां से। चक्कर होता है।
नायिका कैमरा कहाँ बता रहा। असल उनकी गोली के बारे में कुछ पता चला? अब मेरा शक एकदम सही निकला। ये गोली बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत हाई कैलिबर की। 7.62 mm की गोली है। 7.62 mm? तो फिर गोली जरूर किसी राइफल से ही चली है। हाँ सर, जरूर कोई स्नाइपर होगा। हाँ मैं बताता हूँ, बस आइए। ये देखो बस, जिस तेजी से ये गोली इसके शरीर के अंदर घुसी है उसे देख करके लगता है कि गोली लगभग 80 फीट की ऊंचाई से और 200 मीटर की दूरी से चलाई गई है। तो फिर गोली जरूर किसी शार्प शूटर ने चलाई है। शार्प शूटर ने कौन से गन से चली है? सर गोली ड्रैगन ऑफ राइफल से चलाई गई है। ड्रैगन ऑफ राइफल? ड्रैगन ऑफ राइफल तो अक्सर पुलिस वाले या फिर आर्मी वाले इस्तेमाल करते हैं। तो फिर तो किसी ने गन गैर कानूनी ढंग से खरीदी होगी। हाँ पूर्वी, गैर कानूनी ढंग से ही खरीदी गई है ये राइफल, गैर कानूनी ढंग से। रजत पता लगा किसने बेची ये राइफल और किसने खरीदी, किसने खरीदी। और पूर्वी अभिजीत को फोन करो और कहो कि जेल से पता लगाए कि क्या पृथ्वी का किसी और के साथ वहां पर झगड़ा हुआ था क्या। पर हम पता लगाएंगे इस कोर्ट के सामने ऐसी कौन सी बिल्डिंग है 200 मीटर की दूरी पर जहां से ये गोली चली है। पृथ्वी आपकी जेल में पिछले 2 साल से था, उसका बिहेवियर कैसा था? आई मीन किसी कैदी से उसका कोई लड़ाई झगड़ा? नो सर, उसे तो किसी से ज्यादा बात करना पसंद भी नहीं था और ना ही जेल के दूसरे कैदी उससे बात करना चाहते थे। ऐसा क्यों? बहुत ही बेरहमी से कत्ल किए थे उसने और उसकी आंखों में कोई पछतावा भी नहीं था। अजीब बात है, जो कैदी खुद फांसी पे चढ़ने वाला हो कोई इसका खून क्यों करना चाहेगा? ये तो विरोध है ना। डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। कैसे हुआ ये सर? है? सर ये तो अभी अच्छा खासा खड़ा था और अचानक गिर के तड़पने लगा सर। विनोद, तो मर चुका है। होट देखे इसकी, लगता है जहर दिया गया इसे। आसपास की सारी बिल्डिंग्स चेक कर ली, कुछ नहीं मिला, बस ये आखिरी बिल्डिंग बाकी है। देखते हैं यहाँ कुछ पता चलता है क्या। वॉचमैन ही नहीं, वहां देखते हैं। सर तो सो रहा है। जगाओ सर। सर हाँ हाँ बिल्कुल, ड्यूटी पे सोता है। हट। बारिश बारिश बारिश। सीआईडी की बारिश। सीआईडी? आप सीआईडी ड्यूटी पे खर्राटे लगाते हो? किसी के पैसे मिलते हैं तुम्हें? माफ करना साहब, वो डबल शिफ्ट करता हूँ ना, असली आंख लग गई थी। तो फिर आज सुबह भी आंख लग गई होगी 10:30 बजे। क्यों नहीं साहब, जब तुम्हें चाय पीने गया था। ये चाय पीने जाता है, ड्यूटी पे सोता है,
लेकिन ड्यूटी नहीं करता है ना। ड्यूटी कब करते हो साहब? बाकी टाइम में ड्यूटी करता हूँ, कोई मन लगा के साहब। तो फिर बता, वहाँ उस फ्लैट में कोर्ट के सामने कौन रहता है, किसका फ्लैट है वो? वो तो राकेश साहब का फ्लैट है। राकेश? राकेश है घर पर अभी? रोज सुबह 8 बजे चले जाते हैं, लेकिन आज दिखे ही नहीं। कैसे दिखेंगे, तुम तो सो रहे थे। नहीं मैडम, उस समय तो मैं जाग रहा था, वो तो गलती से आंख लग गई। चुप, जाओ वहां जाकर ड्यूटी करो और सोना मत। चले जाओ। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? सर वॉचमैन तो कह रहा था कि उसने सुबह से राकेश को कहीं आते जाते देखा नहीं, फिर उसे तो घर पे ही होना चाहिए। दया से कुछ सीखे हो सर? तो बताओ। सर लगता नहीं घर में कोई है। है, घर में कोई तो है। श्रेया, उस तरफ जाओ। सर। निखिल, निखिल मेरे साथ। घबराओ मत, तुम लोग सीआईडी से। क्या है? कोई जख्म में मारा है इसके सिर पर? बताओ कैसे हुआ ये सब? हाँ, सुबह सुबह कोई मेरे घर में घुसा, मुझे बेहोश करके यहाँ बांध गया। कौन था वो? हाँ, देखा तुमने उसे? नहीं, उसने मास्क पहन रखा था। ले आओ, ले आओ उसे। पानी पिलाओ इसे। हाँ श्रेया, कुछ मिला क्या? हाँ सर। क्या? बेड के नीचे गोली का शेल मिला है। गोली का शेल इस बेड के नीचे? सर। लगता ये वही शेल होगा जो पृथ्वी को लगा है। जरा बाइनोक्यूलर्स लेकर आ। सर। यस, यस श्रेया, गोली यहीं से चली है। राकेश, एक बात बताओ। और कुछ याद है तुम्हें उस आदमी के बारे में? कोई खास बात? नहीं सर, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है। फिर भी याद करो। 5.5 फीट लंबा होगा। और वजन मेरे जितना ही। मगर 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 क्या? उसके जूते मखमली वेलवेट जैसे थे, ब्राउन कलर के। सर, इतने लंबे लंबे जूते थे उसके। मखमली वेलवेट जैसे चमड़े के ब्राउन कलर के जूते, मतलब जरूर स्वेड लेदर के जूते हैं, एंकल हाई।
खबर पक्की है ना? हाँ सर, जितने भी गैर कानूनी हथियार आते हैं सबकी डीलिंग यही होती है। कौन हो तुम लोग, इधर क्या कर रहे हो? ये बच्चे हैं, दिवाली के लिए पटाखे खरीदने आए हैं। ए, पटाखे का दुकान नहीं इधर, चल फुट। ड्रैगन ऑफ स्नाइपर राइफल मिलेगी? आने दो पप्पू, कौन लोग हैं? चला। हथियार खरीदने आए हैं। पहले तो कभी देखा नहीं था, नए हो गया इस धंधे में। नहीं? आप? हाँ, एक एक साल हुआ है मैं भी। अच्छा अच्छा ठीक है, कितने ड्रैगन और स्नाइपर राइफल्स चाहिए तुम्हें? एक, दो, तीन, 12। क्या 12? लड़ाई लड़ने जा रहे हैं क्या? तुमसे मतलब? दान देंगे? एक का 5 लाख, 12 का 60 लाख। चलो 10 लाख डिस्काउंट दिया तुम्हें, 50 लाख में आपका काम हो जाएगा। हम कैसे मान लें कि तुम्हारा माल सही है? खोटा नहीं? खोटे सिक्के रखने का शौक मुझे नहीं है, अभी कुछ ही दिन पहले बेची है। क्या मक्खन की तरह चलती है साहब, ट्राई करो। किसे किसे बेची तुमने वो गन? इससे तुम्हें क्या लेना देना? लेना देना है? CID। सच सच बता दे, किसने खरीदी थी ड्रैगन ऑफ स्नाइपर राइफल? वरना और भी तरीके आते हैं हमें सच उगलवाने के। कौन था वो जिसे तुमने ड्रैगन ऑफ स्नाइपर राइफल बेची थी? नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। मैं एक दाढ़ी मूंछों वाला आदमी था सर, जिसने काला चश्मा और एक टोपी लगा रखी थी सर। लेकिन हाँ, उसने बातों बातों में एक बात कही थी कि उसकी फेवरेट राइफल है और इसी से उसकी जान बची थी सर। इसका मतलब कोई पुराना फौजी आया था भेस बदल के। डॉक्टर साड़ुंके की रिपोर्ट के मुताबिक विनोद की मौत जहर से हुई है। हाँ, पर है कौन ये खूनी जिसने पहले पृथ्वी को मारा और अब विनोद को? सर, सर ये रहा पृथ्वी का पहले का रिकॉर्ड। सर, पृथ्वी ने अनुष्का नाम की एक लड़की का खून किया था जिसके पिता आर्मी में थे, लेफ्टिनेंट कर्नल विजय कुमार। लेफ्टिनेंट कर्नल विजय कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल विजय कुमार। सर, घर तो बहुत आलीशान है, मगर कोई है क्यों नहीं? तुम्हारा खेल खत्म हो गया। विजय,
इज डेड। तलाशी लो घर की अच्छी तरीके से, देखो कुछ मिलता है क्या। टेबल पे ये मिला है। मैंने पृथ्वी को मार के अपनी बेटी की मौत का बदला ले लिया और अब मेरे जीने का कोई और मकसद नहीं है, इसलिए मैं अपनी जान ले रहा हूँ। उम्मीद है कि ऊपर जाके एक बार फिर अपनी बेटी से मिल पाऊंगा। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर विजय ने पृथ्वी को मार के खुदकुशी कर ली तो फिर विनोद का क्या, उसे किसने मारा? हो सकता है पृथ्वी की मौत और विनोद की मौत का आपस में कुछ लेना देना हो ही ना, और ये भी हो सकता है कि विजय की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि खून है। खून? हाँ पंकज, ये आत्महत्या नहीं है, ये खून है। ये सुसाइड का नाटक खूनी ने हमें गुमराह करने के लिए किया है। वो कैसे सर? एक मिनट, अंदर आओ। ये सारी फोटो ध्यान से देखो। इन फोटोज में तुम्हें कोई खास बात नजर आ रही? हाँ सर, इन सारे फोटोज में तो विजय है। हाँ विजय तो है, उसके अलावा? सर विजय खब्बू है, लेफ्ट हैंडेड। सर वो क्रिकेट भी लेफ्ट हैंड से खेल रहा है, पेन भी उसने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है और गन भी लेफ्ट हैंड में। करेक्ट। अगर ये अपने सारे काम बाएं हाथ से करता था तो आत्महत्या दाएं हाथ से क्यों करेगा? गन दाएं हाथ में पकड़ी है इसने, मतलब साफ है खूनी ने इसका खून करने के बाद इसके हाथ में गन रख दी। राइफल, ब्राउन जूते, आत्महत्या वाली चिट्ठी सब जानबूझ के रखे गए हैं हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए। पहले पृथ्वी को मारा कोर्ट के बाहर गोली चलाकर, फिर मारा विनोद को जेल के अंदर जहर देकर, और अब मारा विजय को। सर उन्हीं को पता नहीं है कि उसका पाला एसीबी प्रद्युमन से पड़ा है। तुमने दिया हुआ काम किया? हाँ सर। विजय के फोन रिकॉर्ड चेक किए? हाँ सर। उसकी मौत से एक दिन पहले ना उसे किसी ने बहुत सारे फोन किए थे। किसने? पता नहीं सर। क्यों? क्योंकि खाचा कार्ड से किए थे सर। तो क्या हुआ? सर वो कार्ड ना आउट ऑफ सर्विस है सर। हाँ। सर पिछले कुछ दिनों में विजय ने अपने अकाउंट से काफी सारे पैसे ट्रांसफर किए। किसे ट्रांसफर किए थे? सर जर्मनी के एक बैंक में सर, किसी योको रेगा के नाम पर, और फिर वहां से वो सारे पैसे रशिया के एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए और वहां से कहीं और। एक ही कदम फूक फूक के डाल रहा है ये, लेकिन एक गलती कर बैठा सर। वो क्या? वो कहते हैं ना सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। ये देखिए सर, ये पृथ्वी की वाइफ का एक भाई है गौतम, वो भी विजय के साथ आर्मी में था, ये उनकी फोटो है। गौतम? यस सर। ये गौतम कई सालों से कर्जों में डूबा हुआ था, लेकिन पिछले ही हफ्ते उसने ना केवल सारा कर्ज उतारा है बल्कि पानीपत नगर में एक फ्लैट भी खरीदा है। अच्छा, पृथ्वी के जोरू का भाई गौतम, जोरू का भाई गौतम, पता लगाना पड़ेगा इस गौतम के घर में ऐसा कौन सा बादल है बारिश कर रहा है, धन की बारिश, धन की। गौतम तो पृथ्वी और विनोद के लॉकअप की देखभाल आप करते थे? जी सर। कैसी बनती थी दोनों के बीच में, कुछ बात बात करते थे आपस में? हाँ साहब, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और पृथ्वी तो पूरी जेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ विनोद से ही बातें किया करता था। ओह, अच्छा, उन दोनों के बारे में कोई कोई खास बात जो आप हमें बताना चाहते हो?
सब आएगा मजा। लेकिन अब वो है कहाँ? वो ऑफिस के अंदर ही है। क्यों शोर मचा रहे हो? रात हो गई, चलो सो जाओ। हाँ चल सोते हैं। एक रात पहले दोनों बहुत खुश थे और आपस में खूब हंस रहे थे। किस बात पे? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ अखबार देख देख के हंस रहे थे। अखबार था? वो अखबार है आपके पास? जी हाँ। जरा लाइए। जी सर, उस अखबार में ऐसा क्या होगा जिसे पढ़ के वो लोग हंस रहे थे? होगी क्यों, उनके फायदे की खबर होगी जिसे पढ़ के वो लोग खुश हो रहे थे। ये लीजिए। और सर वो कुछ बोल भी रहे थे। क्या क्या बोल रहे थे? सर ऑफिस के अंदर है, ऑफिस के अंदर ऐसा कुछ बोल रहे थे। ऑफिस के अंदर कुछ है? हाँ सर। किस ऑफिस की बात कर रहा होगा वो? कहीं अपने ऑफिस में तो कुछ छुपा नहीं रखा है इसने? बताइए तो सही, मैं कुछ आपकी हेल्प कर देता हूँ। चुपचाप वहीं खड़े रहिए, हमें जो चाहिए हम खुद ढूंढ लेंगे। निखिल, इसको शिफ्ट करो। सर मुझे क्या पता कि पृथ्वी सर ने अलमारी के पीछे एक और अलमारी बना रखी है। की कटिंग तो 12 साल पुराने एक पुलिस केस की है। गिरजापुर में ड्रग्स बेचने वालों और पुलिस के बीच मुठभेड़, शूटआउट में 7 ड्रग्स बेचने वाले मारे गए। सर हो ना हो पृथ्वी का इस केस से कोई ना कोई संबंध है। जरूर होगा निखिल, पर ना इतनी पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग वो इतना संभाल के क्यों रखता। लेकिन सर ये फोटो, इन 3 फोटोज में कौन है इसका जवाब हमें गौतम देगा, क्योंकि विजय ने उसी को पैसे दिए थे पृथ्वी को मारने के लिए। क्यों गौतम जी? हाँ क्यों गौतम जी भाग रहे थे? हमसे कोई भाग नहीं सकता, समझे? क्यों पृथ्वी को तुमने ही मारा ना, गोली चलाकर राइफल से? सर मैं पृथ्वी को क्यों मारूंगा सर? 10 लाख रुपयों के लिए जो तुमने विजय से लिए थे। हाँ सर ये बात सही है, मैंने विजय से 10 लाख रुपए लिए थे इसी काम के लिए, लेकिन सर मैंने पृथ्वी को नहीं मारा है। सर क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने खून नहीं किया? मैडम मैं गोली नहीं चला सकता क्योंकि मेरा हाथ खराब है। ये देखिए
ये देखिए सर। अच्छा क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? पिछले साल एक रोड एक्सीडेंट में मेरा हाथ खराब हो गया। ये देखिए सर। सर मैं एक गिलास पानी नहीं उठा सकता तो भारी राइफल कहां से उठा सकता हूं सर? आप चाहे तो इसके मेडिकल रिपोर्ट भी देख सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से भी दिखवा सकते हैं। इन तीनों को जानते हो? नहीं सर, मैं इन तीनों को नहीं जानता हूं सर। सच बोल रहे? हाँ सर, सच बोल रहा हूं सर। नहीं जानते हो, ठीक है। तो अब हम इन तीनों की कुंडली लिखेंगे। सर इस 12 साल पुराने केस का इन मौतों से क्या संबंध है? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। पंकज कनेक्शन है इन मौतों का पृथ्वी के साथ, वरना पृथ्वी इतना पुराना अखबार क्यों संभाल के रखता? सर पुलिस रिकॉर्ड्स में लिखा है कि इन चारों में से एक मुजरिम पुलिस का खबरी बन गया था और उसने अपनी सारी सजा माफ करवाने के लिए अपने पूरे गैंग की जानकारी पुलिस को दे दी और इसी की मदद से पुलिस ने इसके गैंग को खत्म कर दिया। एक मिनट, ये चेहरा, उर्वी इस चेहरे को स्कैन करो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि इस चेहरे को मैंने कहीं देखा है। स्कैन करो। उर्वी इसके बाल बड़े हैं, कम करो। ये चिन पर भी थोड़ा मास चढ़ा। पूर्वी से थोड़ा गोरा बनाओ। माय गॉड, ये तो पृथ्वी है। हाँ सर, इसका मतलब ये पहले ड्रग्स का बिजनेस करता था। हाँ पंकज, इसने गुनाह की दुनिया की दलदल से निकलकर शराफत की दुनिया में कदम रखा। एक नया नाम और एक नया चेहरा लेकर। लगता है सर इसके गैंग वालों को इस बात की खबर हो गई थी, इसलिए पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने इसे मार डाला। नहीं पूर्वी, ऐसा नहीं हुआ। उसके गैंग के मेंबर तो उसकी मौत से 3 दिन पहले ही मर चुके थे। ये अखबार देखिए सर, इसी को देख के पृथ्वी और विनोद जेल में ठहाके लगा रहे थे। शायद इसी खबर ने उनके मूड को फ्रेश कर दिया। इस पृथ्वी के पिछले 12 सालों की जिंदगी का कोई तो राज है जो हमसे अब भी छुपा हुआ है। एक बार फिर से उसके परिवार वालों से जाकर मिलते हैं। पृथ्वी ने अपनी सारी दौलत और बदलापुर वाली जमीन आपके नाम पे कर दी है। ये लीजिए उसकी वसीयत। नहीं चाहिए मुझे, पृथ्वी की पाप की कमाई का कुछ नहीं चाहिए। देखो निधि, कानूनन तो अब ये सब कुछ तुम्हारा ही है, अब इसके साथ क्या करना है इसका फैसला तुम खुद कर लो। ठीक है, आप एक ट्रस्ट बनवा दीजिए समाज सेवा का, शायद इससे पृथ्वी के पाप कुछ कम हो जाए। सॉरी आपको तकलीफ देने आया हूं, लेकिन मुझे बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए आपसे पृथ्वी के बारे में। ओके निधि, मैं चलता हूं। ठीक है। मुझे क्या पूछना चाहते हैं? निधि जी, हमें पृथ्वी के पिछले 12 सालों की जिंदगी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या आपको पता है वो किसी क्रिमिनल गैंग से जुड़ा हुआ था? गैंग? कैसी गैंग? क्या आप बच्चे को अंदर ले जा सकती हैं? निधि, जिस क्रिमिनल गैंग से पृथ्वी जुड़ा हुआ था वो लोग ड्रग्स का धंधा करते थे। ये है एक फोटो जिसमें ये है पृथ्वी।
ये पृथ्वी है? जी, नई शक्ल के साथ साथ उन्होंने एक नई जिंदगी भी अपना ली थी। पृथ्वी के साथ जो दो साथी हैं, क्या आप उनको पहचानती हैं? जी नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पृथ्वी की जिंदगी के पिछले 12 सालों के बारे में कोई खास बात याद आती है तुम्हें, या शायद पृथ्वी ने तुम्हें कुछ कहा हो, बताया हो? हाँ, पृथ्वी ने एक बार मुझे कहा था कि उसने घर में कोई ऐसी चीज रखी है जो मेरे सारे सवालों का जवाब देगी। कैसी चीज? जी मुझे नहीं पता, घर में मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं मिला। इफ यू डोंट माइंड, हमारे ये दो ऑफिसर्स आपके घर की छाननी करेंगे, चलेगा? जी। निकल श्रेया, ढूंढो घर को अच्छी तरह से, शायद वो चीज मिल जाए, है ना? सर। सर ये बॉक्स मिला है। खोलिए। सर क्या हुआ? ये तो खुल ही नहीं रहा है, तोड़ दो। नहीं। इस बॉक्स को मत तोड़ो। क्यों बेटा, कोई खास बात है इसके अंदर, आप जानते हो? एक मिनट। पृथ्वी को पजल्स और क्रिप्टोग्राफी का काफी शौक था, उन्होंने अक्षय को भी आदत लगा दी थी। अरे खुल गया ना। ये तो कमाल हो गई, आप तो बड़े होशियार हो। क्या ये कैसी चाबी? इस चाबी से कौन सा ताला खुलेगा, ये तो एक पहेली है। हाँ, शायद इस चाबी का राज इस चिट्ठी में छुपा हो। HLQFSXRIQPILZHBOKLFCD ये क्या है? क्यों बेटा, क्या हो सकता है ये, कुछ पता है तुम्हें? अरे ये तो सीजर साइफर कोड है। अरे वाह, सीजर साइफर, क्या होता है ये सीजर साइफर? मैं बताऊं, सीजर साइफर कोड मतलब हर अक्षर को आगे आने वाले तीसरे अक्षर के साथ बदलना होता है, मतलब ए बन जाता है डी, राइट? अरे वाह, अब तो मेरी तरह स्मार्ट हो। अच्छा श्रेया बताओ, इसका असली मतलब क्या है? सर, KOTI, VAULTS, Vaults, LOCKER, Locker, NO number 634. KOTI, Vaults, Locker number 634. सर यानी ये चाबी उस लॉकर की है? हाँ श्रेया, ये चाबी उस लॉकर की है, लॉकर नंबर 634, KOTI Vaults लॉकर। मैं बेगुनाह हूं, जब भी कभी तुम्हें ये चिट्ठी मिले शहर छोड़कर चले जाना, ब्लैकमेल किया जा रहा था, ये सारे गुनाह
अपने सिर लेने के लिए। हाँ सर। हाँ। और क्योंकि असली खूनी उस पर हमेशा नजर रखे हुए था, इसलिए वो अपने परिवार को कुछ नहीं बता। मैं तो घूंघट डाल रखा है, जरा देखें तो तेरा जान सा चेहरा। ये सारा खेल तुम खेल रहे थे आलोक बाबू। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। चल घूंघट करने वाले को कहां जाने दे। मैं एक स्टेट लेवल शार्प शूटर हूं, मेरे सारे खून किए पृथ्वी का, विजय का, विनोद का और उन लड़कियों का भी जिनका मुकदमा पृथ्वी पे चल रहा है। और बलि का बकरा बनाया बेचारे पृथ्वी को, है ना? पृथ्वी ने एक दिन शराब के नशे में मुझे अपने अतीत के बारे में बताया कि वो एक ड्रग गैंग के साथ काम करता है। और तुमने इस बात का फायदा उठा लिया। हाँ, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसके पुराने गैंग वाले उस तक पहुंच गए तो ना सिर्फ उसे बल्कि उसके परिवार को भी मार देंगे। इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए पृथ्वी ने तुम्हारा कहा मान लिया। मगर बाजी पलट गई जब पृथ्वी को पता चला कि उसके पुराने गैंग वाले मेंबर्स मर चुके हैं। वो अदालत में सब कुछ सच सच बता देता और मैं फंस जाता, इसलिए मैंने पृथ्वी को भी मार दिया। इतना सब होने के बाद भी उसने तुम्हें अपना वकील क्यों रखा? क्योंकि वो नहीं जानता था कि मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ। हमारी तो सिर्फ फोन पे ही बात होती थी, कभी सामने नहीं आया मैं उसके। फिर तुमने पृथ्वी को मारा और उसके खून में विजय को फंसा दिया और फिर तुमने विजय को भी मारा। ऐसे मारा जैसे लगे कि विजय ने आत्महत्या की है। हैं? विनोद को क्यों मारा तुमने? क्योंकि वो भी मेरे लिए एक खतरा बन चुका था। पृथ्वी ने अपनी सारी सच्चाई उसे बता दी थी। इतने सारे खून किए तुमने, जब मुजरिमों को सजा दिलाने वाला एक वकील दरिंदा बन जाए तो उसे फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। फांसी की सजा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।